अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर विच इज़ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, एंड टुडे वी विल डिस्कस इट्स इंट्रोडक्शन। वी विल सी एक्चुअली व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फर्स्ट पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते क्या हैं, और फिर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे लिगेंड की डेफिनेशन, लिगेंड्स क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जब भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में ट्रांजिशन मेटल्स आती हैं, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स दीज आर द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच कॉन्टेन एमपीटी डी ऑर्बिटल्स। सो अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल एटम्स इज देयर अबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद अ वराइटी ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल एटम्स दे हैव सेंट्रल यू नो रोल। जो ट्रांजिशन मेटल एटम है वो सेंटर में होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम की ये एबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं विद अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स जिसके साथ डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल एटम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दीज आर कार्बन मोनोऑक्साइड, आइसोसाइनाइड्स, सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फीन्स, आर्सीन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल एटम्स दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद मॉलिक्यूल्स हैविंग डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स, यानी डीलोकलाइज्ड जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ट्रांजिशन मेटल एटम्स के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने के लिए। एंड एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स दे इंक्लूड पिरिडीन 110 फेनोन्थ्रोलीन। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ पिरिडीन, एंड एज यू कैन सी दैट हेयर दीज आर द पाई ऑर्बिटल्स, दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट, विच मे इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विद ट्रांजिशन मेटल एटम्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज 110 फेनोन्थ्रोलीन, एंड हियर यू कैन अगेन सी दैट कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, एंड दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स दीज आर डीलोकलाइज्ड एंड दे मे रिएक्ट विद ट्रांजिशन मेटल एटम्स, और इन अदर वर्ड्स दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाई 110 फेनोन्थ्रोलीन टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद मेटल एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, अब इसमें ये है कि बहुत ही डाइवर्स टाइप है कॉम्प्लेक्सेस की, एंड the type of complexes they range from binary molecular compounds such as chromium hexacarbonyl, as you can see. ab isko binary molecular compound kyun keh rahe hain, aap dekh sakte hain ki isme ek chromium ka atom hai aur dusra carbonyl ka molecule hai. so is complex mein do tarah ki species involved hain, isliye hum isko kehte hain binary molecular compound. और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, एज यू कैन सी FeCN 5 CO माइनस 2. सो दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, या फिर एक्चुअली इसको आप कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ जो है शुरू में फॉर एग्जांपल जो मेटल एटम होना चाहिए जो इसको कंपाउंड बनाता है वो नहीं है. But the reality is complex ions they can exist as such, that is in the form of anion or cation. जो complex ions हैं वो इस तरह से भी exist करते हैं.
इस तरह से ये बहुत ही डाइवर्स टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. दे मे बी न्यूट्रल, दे मे बी एनायनिक और दे मे बी कैटायनिक. There exist a diverse and enormous range of complex compounds, and when we examine the enormous range of complexes that are known, it sometimes seems that if any metal atom can form any type of complex. ठीक है, मतलब इतनी तादाद में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हम मतलब इसकी रेंज को एग्जामिन करें तो ऐसे लगता है कि कोई भी मेटल एटम जो है ये बना सकता है. हालांकि ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर आर सम जनरल ट्रेंड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच मस्ट बी फॉलोड. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दीज आर अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन between the metal ion and the electron pairs on the ligands. तो आपको पता है कि जो metal ion है वो complex compound में center में होता है और number of ligands ने इस metal ion को surround किया होता है. तो जितने number of ligands ने इस metal ion को surround किया होता है उसको हम कहते हैं कि वो उस complex compound का coordination number है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिछले पेज पे जो हमने एग्जाम्पल स्टडी की क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल, तो उसमें छह कार्बोनाइल लिगेंड्स ने क्रोमियम आयन को सराउंड किया हुआ है. इसका मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिगेंड है हियर वी टॉक अबाउट द लिगेंड्स विच आर द सिंपल वंस. और जो अभी तक हमने पिछली क्लासेस में लिगंड की डेफिनेशन स्टडी की है वो क्या है, लिगंड्स आर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स. व्हेन वी से दैट दीज आर चार्ज्ड दे मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड व्हेन वी से दैट अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स हियर वी मीन न्यूट्रल एटम्स. तो लिगंड क्या होते हैं, दे मे बी एनायनिक कैटायनिक और न्यूट्रल स्पीशीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर बाउंडेड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जुड़े होते हैं एंड दे हैव द अबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रल लिगेंड्स, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स इन विच आर अमोनिया, वाटर, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइड. ठीक है, this is nitroside. So these are the examples of uncharged or neutral ligands. And when we talk about charged ligands, the examples of charged ligands are hydroxyl, chloride. Okay, and this is nitrosonium, right? This is nitrosonium ion, and this is nitroso ion. These are the charged ligands. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो NO है दिस इज प्रेजेंट एज न्यूट्रल लिगंड एज वेल एज कैटायनिक एंड एनायनिक लिगंड. तो ये जो इसका न्यूट्रल फॉर्म है उसको वर्ड्स में बोलते हैं नाइट्रोसाइल, और ये जो कैटायनिक लिगंड है इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, और ये जो एनायनिक फॉर्म में है इसका नाम है नाइट्रोसो. So these are the examples of charged ligands. Now we will see an important consideration about complex compound. So what is it? One of the most important considerations is what type of orbitals are available on the metal ion to accept electron pairs. ये metal ion के ऊपर किस तरह के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए. ठीक है, इफ अ मेटल आयन हैज एटलीस्ट टू एमपीटी डी ऑर्बिटल्स, अगर मेटल आयन के पास कम से कम दो एमपीटी डी ऑर्बिटल्स हों. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल आयन के पास एमपीटी ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, ऑफ कोर्स, अदरवाइज इट कैन नॉट अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड. ठीक है,
अच्छा जी, अब अगर किसी मेटल आयन के पास फॉर एग्जांपल दो एमपीटी डी ऑर्बिटल्स हैं, इट मींस इट कैन फॉर्म अ सेट ऑफ डी टू एस पी थ्री हीब्रॉड ऑर्बिटल्स, दैट मींस सिक्स हीब्रॉड ऑर्बिटल्स, टू ऑर्बिटल्स डी के और चार जो हैं वो एस पी थ्री हीब्रॉड ऑर्बिटल्स, तो इन टोटल मेटल आयन कैन फॉर्म सिक्स हीब्रॉड ऑर्बिटल्स इफ टू एमपीटी डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, और अगर 6 एमपीटी डी टू एस पी थ्री हीब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ इट कैन अकोमोडेट 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर पाएगा। इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कोबाल्ट का ट्रांजिशन मेटल है, यू नो दैट, और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है। कोबाल्ट का अटोमिक नंबर है 27, सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गॉन, एंड यू पीपल नो दैट अटोमिक नंबर ऑफ आर्गॉन इज 18, सो 18 प्लस 2 प्लस 27, सो 27 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड हियर यू आर सीइंग ओनली द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 4s एज यू कैन सी दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड 4s2, जबकि जो 3d है, two of the 3d orbitals, these are completely filled, and you can see that these three orbitals, these are partially filled. So, ye do completely filled hain, aur ye teen jo hain, wo partially filled hain. Here we are talking about neutral cobalt atom. So, what about if cobalt is ionized? Yani cobalt jo hai, wo teen apne electron lose kar de, cobalt ion bana de, positive ion bana de, aur wo teen electron wo kahan se lose karega? वो ऑब्वियसली 4s जो है दिस इज लो लाइन एज यू कैन सी, सो लोअर इन एनर्जी ये 4s वाले जाएंगे राइट, और एक जो है वो 3d में से जाएगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि 4s जो है वो एमपीटी हो जाएगा, और ये आगे 4p दिए गए हैं विच आर ऑल्सो एमपीटी, और ये जो 3d है राइट, अब 3d में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पहले यहाँ पर हमारे पास तीन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स थे, तो अब चार पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट इन केस ऑफ कोबाल्ट आयन CO प्लस 3 आयन, देयर आर 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 एमपीटी डी ऑर्बिटल्स, बट हियर यू कैन सी दैट देयर आर 4 ऑर्बिटल्स विच आर पार्शियली फिल्ड, दे आर नॉट एमपीटी, ये एमपीटी नहीं है। तो आप देखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर बनेगा कैसे, क्योंकि ये तो कंडीशन थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की कि कम से कम 2 एमपीटी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अच्छा जी, अब वो 2 एमपीटी ऑर्बिटल कैसे बनेंगे कि एक्चुअली ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा हाइब्रिडाइजेशन की तरह, ठीक है। तो जब कोबाल्ट जो है मतलब अपना ले रहा होगा लिगंड से इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पर ये न्यूट्रल लिगंड है विच इज अमोनिया, ठीक है। तो उसी वक्त क्या होगा कि एक तरह का वो लिगंड जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाएगा और वो अंदर वाले ऑर्बिटल्स की तरफ चले जाएंगे, और ये वाले 2 ऑर्बिटल्स जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये एमपीटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि जब ये अंदर की तरफ चला जाएगा तो ये 2 ऑर्बिटल्स एमपीटी हो जाएंगे, और इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल्स में यू कैन सी नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी कंसनट्रेटेड इन दीज 3d ऑर्बिटल्स, राइट। और दूसरा इसमें एक और बात है, अब ये 6 अमोनिया के लिगंड्स हैं, यानी 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसको देंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की वजह से धक्का लगेगा, और इस तरह से यहाँ पर ये अपने 6 जो है ये जो डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन भी साइमल्टेनियसली हो रही होगी, यानी जैसे ही अमोनिया अपने लिगंड दे रहा होगा, इन द मीन वाइल हाइब्रिडाइजेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस, राइट। और ये आपके पास 6 डी टू एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो वेकेंट हो जाएंगे, इन विच 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच विल बी डोनेटेड बाय अमोनिया, दे विल बी अकोमोडेटेड, वो अकोमोडेट हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पर ये देखें इनर ऑर्बिटल और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो कि इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज करता है, यानी एक्चुअली ये देखें ये जो डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है ये दो तरह से पॉसिबल है, या तो ये वाले 2d विच आर 3d ऑर्बिटल इसको यूज किया जाए, या इसके आगे जो 4d वाले हैं उसको अगर यूज कर लें तब भी sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन वही 6 वही यही वाली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी, लेकिन वो आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी बाहर वाले d ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज हुए, और इस केस में ये अंदर वाले 3d वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं,
दैट इज वाई दिस इज इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ये जो कोबाल्ट हेक्सामाइनो कॉम्प्लेक्स है दिस इज इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज इनर डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ वी हैव अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज द चार्ज टू साइज रेशियोज ऑफ द मेटल आयन. ठीक है, ये चार्ज टू साइज रेशियो मेटल आयन की ये भी मैटर करती है. आयन्स ऑफ हाई चार्ज टू साइज रेशियोज हैव द ग्रेटेस्ट अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड कैन अकोमोडेट द ग्रेटर बिल्डअप ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है, तो अब ये हाई चार्ज टू साइज रेशियो यानी जिनका चार्ज टू साइज रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अकोमोडेट कर पाएंगे और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच विल बी बिल्ड अप बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो उनको अकोमोडेट कर सकेंगे जितना चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा होगा. ठीक है, एज अ जनरल रूल मेटल आयन्स ऑफ हाई चार्ज टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर हायर. ठीक है, अब इसमें ये है कि ये भी एक रूल है कि जो मेटल आयन हाई चार्ज के हैं जिनका चार्ज जो है ज्यादा है यानी जो जिन्होंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जाहिर है फिर ही उनके पास चार्ज ज्यादा होगा ना, तो दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होगा यानी जितना ज्यादा उनके पास चार्ज होगा एक्चुअली वो उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होंगे तो देन दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा यानी वो ज्यादा से ज्यादा लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्पेशली इफ दे आर लार्जर आयंस इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एंड पे जाहिर है वो लार्जर आयंस प्रेजेंट है तो वो वाले मेटल आयंस जो हैं चूंकि उनके ऊपर हाई चार्ज होगा राइट वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखेंगे तो इन टर्न दे विल हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स और चूंकि ज्यादा से ज्यादा लिगेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अकोमोडेट करने की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी तो इसी लिहाज से उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स. ठीक है, अब हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के मुतालिक बात करेंगे. ओके, तो होता क्या है इन मेजोरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस द मेटल आयंस आर इन लो पॉजिटिव जीरो और इवन नेगेटिव फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा, जो पिछले स्लाइड पे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की विच इज हेक्सामाइनो कोबाल्ट आयन. ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो पॉजिटिव थी, प्लस थी, प्लस थ्री राइट. तो इसका मतलब मेटल आयन लो पॉजिटिव या इवन मेटल आयन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है या रेयर केसेस में नेगेटिव फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकती है. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिगंड नाउ अंडर डिस्कशन दैट दे कैन स्टेबलाइज लो ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा जी, अब ये लिगंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस लो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करे. This property is associated with the fact that these ligands have vacant pi orbitals in addition to lone pairs. अच्छा जी, अब क्या है कि वो किस तरह से इसको स्टेबलाइज करते हैं कि ना सिर्फ ligands के पास lone pairs अवेलेबल हैं, in addition to that they have vacant pi orbitals. Lone pairs के अलावा उनके पास vacant pi orbitals भी अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू से वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट को लो पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को वो स्टेबलाइज कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो इसको किस तरह से स्टेबलाइज कर सकते हैं. अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कार्बोनाइल लिगेंड की. सो दिस इज द लीवर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड. अब इसकी ये जो लीवर स्ट्रक्चर है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में
डिटेल से जरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सामने नजर आ रहा है इसको हम सिंपलीफाई इसी तरह से ले लेते हैं। एज यू कैन सी कार्बन एंड ऑक्सीजन दे आर फॉर्मिंग थ्री बॉन्ड्स विद ईच अदर एंड यू कैन ऑल्सो सी वन लॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड वन लॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इससे एक तो ये बात साबित हो गई कि ये जो पाई एक्सेप्टर लीगेंड है उसके ऊपर ये लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पाई एक्सेप्टर लीगेंड। ठीक है, अब पाई एक्सेप्टर लीगेंड की दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं। क्या है कि एक तो इनके पास लॉन पेयर है, ना सिर्फ ये कि लॉन पेयर है बल्कि उनके पास वेकेंट पाई ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू द लॉन पेयर। अच्छा जी, वो हम किस तरह से देख सकते हैं वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स? वी कैन सी दीज वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम ऑफ MOT डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इधर देखें ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के। वी आर टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम 2s, हम 2s से ले रहे हैं। दिस इज द एनर्जी डायग्राम और एनर्जी जो है इस साइड को इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन दे आर स्लाइटली हायर इन एनर्जी एज कम्पेयर विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनीवेज ये 2s हैं, राइट, और ये 2s दे विल यू नो मिक्स एंड मैच एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। टू वन ऑफ देम इज बॉन्डिंग एंड द अदर इज एंटी बॉन्डिंग, यू नो दैट, राइट। तो इसको जब 2s दो और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो ये सिग्मा जो है इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और सिग्मा स्टार को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो वो आपस में मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, वन इज सिग्मा एंड द अदर इज सिग्मा स्टार। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि ये जो 2s एंड ये इसका 2s, इसके ये चार इलेक्ट्रॉन सिग्मा और सिग्मा स्टार में अकोमोडेट हो जाएंगे एंड नेट रिजल्ट इज जीरो, राइट। अच्छा जी, अब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दो जो है 1s में चले गए, दो 2s में चले गए और दो देखें ये 2p में आ गए, 2p x y एंड z और एक जो है ये खाली है। एनीवेज, तो इस तरह ऑक्सीजन का अगर 8 है तो 1s में दो चले गए, दो 2s में चले गए और चार जो है ये 2p में आ गए और 2p में तीन होते हैं तो एक 2p x फॉर एग्जांपल कम्प्लीटली फिल्ड है अगर, तो 2p y एंड 2p z, यू कैन सी दीज आर सिंगली फिल्ड। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 6 ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स ऑफ 3 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, राइट। सो दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन दे विल मिक्स एंड मैच दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इससे हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनमें से ये वाले तीन जो हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं विच आर कॉल्ड एज पाई, इसको पाई, दीज आर द पाई ऑर्बिटल्स। ये एक सिग्मा बनेगा और ये पाई स्टार और फिर ये फिर जो है ये सिग्मा स्टार। अच्छा जी, अब अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें यहाँ पर, सो वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अटोमिक ऑर्बिटल्स में और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाहिर है पहले लोअर एनर्जी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं विच आर द बॉन्डिंग वंस पाई एंड ये सिग्मा पाई। ठीक है, तो अब ये 6 सारे के सारे इसमें आ जाएंगे और ये पाई स्टार जो है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर द पाई ऑर्बिटल्स। बहरहाल बेशक ये एंटी बॉन्डिंग है तो ये पाई ऑर्बिटल्स ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दीज वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स दीज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पाई एक्सेप्टर लीगेंड है इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, इट आल्सो कॉन्टेन इट आल्सो हैव वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये वेकेंट जो पाई ऑर्बिटल्स हैं इसके पास ये प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इट एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ दीज वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स, दीज वंस नॉट दिस वन, ये तो सिग्मा में चला जाएगा ना, ये देखें ये वाले वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। दीज वेकेंट ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फिल्ड मेटल ऑर्बिटल्स टू फॉर्म आर टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग दैट
supplements the sigma bonding arising from lone pair donation. अच्छा जी, अब ये देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अगेन क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल. इसके थ्रू से अब देखें एक्चुअली क्या है कि ये क्रोमियम और ये कार्बोनाइल के दरमियान ये वाली सिग्मा बॉन्डिंग है, राइट. अच्छा जी, अब ये सिग्मा बॉन्डिंग को सप्लीमेंट करता है, इसको एडिशनली स्ट्रॉन्ग करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि ये क्रोमियम दे रहा होता है यहाँ पर, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाले जो पाई ऑर्बिटल, वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनको दे रहा होता है ये वाला क्रोमियम आयन अपनी एडिशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और इसकी वजह से क्या होता है, दिस फॉर्म अ टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग. ये एक यहाँ पर एक तरह की पाई बॉन्डिंग बन रही होती है दैट सप्लीमेंट्स द सिग्मा बॉन्डिंग, जो कि इस सिग्मा बॉन्डिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, अराइजिंग फ्रॉम लॉन पेयर डोनेशन, जो कि इस लॉन पेयर के डोनेशन की वजह से फ्रॉम द कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल के इस लॉन पेयर के डोनेशन की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है क्रोमियम के साथ, ठीक. और ये जो फिल्ड मेटल ऑर्बिटल्स हैं, यानी पिछली स्लाइड पे जैसा कि हमने देखा कोबाल्ट के वो सिक्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे फॉर एग्जांपल, उसको लीगेंड ने फिल किया, ठीक है, अपने सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन से, और उसकी वजह से ये फिल्ड मेटल ऑर्बिटल्स वो वाले अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स को देंगे, राइट. और एक्चुअली उसकी वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पर ये पाई ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फुली क्रोमियम या मेटल जो है डोनेट नहीं करेगा, जस्ट आप कह लें कि अपना एक शेयर देगा, और उसी शेयर में से क्या होगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, अब ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये सॉलिड है, राइट, विच इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस लिगेंड, ठीक. तो अब ये क्रोमियम जो है जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा टू दिस पाई ऑर्बिटल, ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो अब इस पाई ऑर्बिटल में आएंगे वो एक तरह का पाई बॉन्डिंग बनाएंगे दैट सप्लीमेंट्स द सिग्मा बॉन्डिंग, जो कि इस सिग्मा बॉन्ड को फिर और ज्यादा मजबूत करेगी, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द लॉन पेयर डोनेशन. हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल आयन कैन बी डीलोकलाइज्ड ऑन द लिगेंड्स. अब इस वजह से क्या होगा कि ये क्रोमियम के ऊपर जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप देखें ना क्रोमियम के ऊपर किस तरह से होगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला कोबाल्ट लिगेंड भी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, सो ऑल दीज सिक्स कोबाल्ट लिगेंड्स, सॉरी कार्बोनाइल लिगेंड्स, दिस इज नॉट कोबाल्ट, दिस इज कार्बोनाइल, सो ऑल दीज कार्बोनाइल लिगेंड्स दे आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द क्रोमियम, और क्रोमियम के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी. तो उसको ये वाला क्रोमियम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किस तरह से स्टेबलाइज करेगा कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाले पाई ऑर्बिटल्स जो वेकेंट हैं इस कार्बोनाइल लिगेंड के, वो उसके साथ शेयर करेगा, इस तरह से वो अपनी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज कर सकता है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाई एसीडीटी और पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी. द एबिलिटी ऑफ द लिगेंड्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू लो लाइंग एम्प्टी पाई ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड पाई एसिडिटी और पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी. तो ये क्या है कि ये एबिलिटी है लिगेंड्स की टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो एक्सेप्ट करेंगे इनटू लो लाइंग एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स. अब ये देखें, अब अगर तो ये वाले पाई ऑर्बिटल्स यू नो एम्प्टी हैं तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले यहाँ आएगी, लेकिन पाई ऑर्बिटल कोई भी हो सकता है, पाई और पाई स्टार, ठीक है. तो अब अगर ये वाला पाई अवेलेबल है तो पहले ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, अगर ये फिल हो गए हैं एज इन दिस केस यू कैन सी, तो ज़ाहिर है वो फिर ऊपर वाले पाई ऑर्बिटल में जाएंगे. तो इसी को हम कहते हैं पाई एसिडिटी और पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी.
अब इसको पाई एसिडिटी क्यों बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आया है फ्रॉम लीवस एसिड से, क्योंकि लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है. दैट इज व्हाई वी से दैट दीज लिगंड्स दे हैव पाई एसिडिटी. ठीक है, क्योंकि वो अपने पाई ऑर्बिटल्स में उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है. दैट इज व्हाई वी से दैट दीज आर पाई एक्सेप्टर लिगंड्स बिकॉज दे हैव पाई एसिडिटी और पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी. Ligands which are isoelectronic with carbon monoxide such as NO plus, CN minus would be just as suitable for pi bonding, but the change on the ligand has been taken into consideration. अच्छा जी, अब isoelectronic का क्या मतलब है? आप देख सकते हैं कि ये जैसे carbonyl है, carbon के पास 6 और oxygen के पास 8 electron होते हैं और total carbon monoxide के पास 14 electrons हैं, as you can see. Likewise, ये आपके पास NO plus ion है, ठीक. अगर nitrogen है तो 7 है, अगर O plus है तो एक electron कम हो जाएगा, ये भी 7, तो NO plus के पास भी 14 electron है. तो isoelectronic mean ऐसी species जिनके पास same number of molecules हैं. So CO and NO plus they are isoelectronic to each other because each of them have 14 electrons. Likewise, you can also calculate the electrons present in cyanide and you will see that it is also 14. अच्छा, अब इसमें ये है कि carbonyl की तरह NO plus and CN minus these are also suitable for pi bonding. लेकिन इनके ऊपर जो charge है we have to consider it. हमें इसे consider करना पड़ेगा. The NO plus with positive charge is stronger pi acceptor with कार्बोनाइल. ठीक है, तो अब इसमें ये है कि जो NO प्लस है ये ज़ाहिर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए दिस इज स्ट्रॉन्गर पाई एक्सेप्टर एज कम्पेयर विद कार्बोनाइल, जबकि ये जो साइनाइड है दिस इज वीकर वन. फर्दर डिफरेंस बिटवीन साइनाइड एंड कार्बोनाइल एज लिगेंड्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट द फॉर्मर combines with cations rather than unchanged metal atom. So this is another difference. ठीक है, तो अब ये जो cyanide और carbonyl में एक और difference ये भी है कि cyanide जो है cation के साथ combine करेगा, जबकि carbonyl जाहिर है वो neutral या uncharged metal atom के साथ combine करेगा. There is enough in common, लेकिन इसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं बिटवीन कार्बोनाइल NO प्लस एंड साइनाइड आइंस. बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ मैनी मिक्सड कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेज इट इज़ पॉसिबल टू कंपेयर द अबिलिटी ऑफ वेरियस लिगंड्स टू एक्सेप्ट बैक डोनेशन. तो अब इसमें लिगंड की अबिलिटी तो वैसे यही है ना कि उसने इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन उसकी पाई एक्सेप्टर कैपेसिटी की वजह से लिगंड्स जो हैं after the formation of complex compound they do have the ability to accept electrons. ठीक है, तो इसी बेस पे different studies की गई और उन studies की वजह से ये नतीजा निकला कि जो pi acceptor capacity है different ligands की this is in the following order. ये इस तरह से है कि ये जो NO plus है this has the strongest pi acceptor capacity, then carbonyl, then PF3, then we have PCl3 which is whose pi acceptor capacity is greater than AsOr thrice, which is greater than PoR thrice, which is greater than PR3. So this is the order. So in this series we can see that NO plus ion, right, nitrosonium ion, it has the strongest pi acceptor capacity. यानी ये जो एक्सेप्ट बैक डोनेशन यानी एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है तो मेटल आयन में से इलेक्ट्रॉन लेने की जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है स्टडीज शोज दैट दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस आयन बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव आयन ऑन इट सो इट हैज़ द टेंडेंसी
to attract electrons from the metal ion. This was about today's lecture. I actually worked hard in the preparation of this lecture and also in the delivery of this lecture because this was like a kind of new topic, so and also the start of a new chapter. So I was thinking that if I was able to make it clear, then it would be possible for you people to understand next lectures as well. So thank you very much for watching this video, and if you have understood, that's very good. If you have any problem, then you are very welcome to ask. So if you have understood, please subscribe, like and share so that others may also be benefited from it. Thank you very much. Allah Hafiz.